दोस्तों, यह 3री सदी में बसा कर्नाटक राज्य का बिदर जिला। यह जिला कर्नाटक के उत्तर पूर्वी भाग में बसा हुआ है, जो अपने आर्किटेक्चर, हिस्ट्रिकल और रिलीजियस टेम्पल्स के कारण सिटी ऑफ विस्परिंग मोनूमेंट्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कर्नाटक राज्य का बिदर जिला अपने बिदरी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स और अपने ठंडे वातावरण के लिए भी फेमस है। साथ ही इस को सिख कम्युनिटीज के लोगों के लिए एक होली प्लेसेस के तौर पर भी देखा जाता है। राज्य की राजधानी बेंगलोर से लगभग 462 मील की दूरी पर बसे होने के कारण इस को लंबे समय तक राज्य सरकार द्वारा नेग्लेक्ट किया गया, लेकिन इसके अपने हेरिटेज और प्रोमिनेंट प्लेसेस के कारण इस को भारत के आर्कियोलॉजिकल मैप में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है, जो इसे कर्नाटक राज्य के अन्य बाकी शहरों से अलग बनाता है। दक्कन के पठारों पर सुरम्य रूप से बसा बिदर फोर्ट लगभग 500 साल से भी अधिक पुराना है, जो अभी भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है जैसा कि उसे उस समय बनाया गया था। वर्तमान में बिदर सर को देश में इंडियन एयरफोर्स के दूसरे सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर जगह मिली है। साथ यहां के IF बिदर स्टेशन का उपयोग एयरक्राफ्ट पर लड़ाकू पायलटों के उन्नत जेट प्रशिक्षण के लिए भी किया जाता है। इस सर को पहले बिदुरू भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है बेम्बू यानी बांस। इसके अलावा भी इस सर को पहले भद्रकोट, मुहम्मदाबाद और बिदुर नगरा के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता था। समुद्र तल से 2300 फीट की ऊंचाई पर बसे बिदर अपने पड़ोसी राज्यों में महाराष्ट्र के लातूर, नांदेड़ और उस्मानाबाद, जबकि तेलंगाना के निजामाबाद और मेदक की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही यह सर कर्नाटक के एकमात्र शहर गुलबर्गा के साथ भी अपने बॉर्डर को शेयर करता है। कुल 43 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बिदर जिले की 2023 में करंट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 19 लाख के आसपास है। यहाँ पर आपको पर स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में 5448 लोग यहाँ की धरती पर खुशी व हर्षोल्लास के साथ निवास करते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं बात करें इस सर के महिला पुरुष अनुपात की, तो यहाँ का लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 956 महिलाओं का है। यह सर 70.51% की साक्षरता दर के साथ भारत के पढ़े लिखे लोगों वाले शहरों की सूची में कर्नाटक स्टेट के एवरेज सिटीज में से आता है। यहाँ की कुल आबादी में से 54.53% लोग हिंदू धर्म, 34.53% इस्लाम, 6.68% क्रिश्चियन और 2.10% बौद्ध धर्म वाले लोग आते हैं। वहीं बात करें इस सर के भाषा की, यहाँ पर आपको 52% लोग कन्नड़ भाषा, 33% उर्दू, 6% मराठी, 4% हिंदी, 3% तेलुगु और 2% लोग लोकल लैंग्वेजेज का प्रयोग करते हुए नजर आ जाएंगे। बिदर जिले की एक बड़ी इकोनॉमी टूरिज्म और यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर डिपेंडेंट है। कोलार इंडस्ट्रियल एरिया इस सर का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर कॉटन मिल्स, ऑयल गिनिंग मिल्स और रॉ मटेरियल्स का काम किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं बिदर के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस सर में सबसे पहले आप यहाँ के बिदर फोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस किले को 1427 में बहमनी वंश के सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित कर कई इस्लामी स्मारकों के साथ इस किले को भी बनवाया था। इस फोर्ट को 2014 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में रखा था, जहाँ पर इस किले के अंदर कुल 30 स्मारक मौजूद है। हालांकि सुविधाओं के अभाव के कारण अभी इसका उपयोग महज पर्यटन और फिल्म शूटिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद इस सर में आप यहाँ के गुरुद्वारा गुरु नानक हीरा साहिब को भी घूमने जा सकते हैं, जिसे सिखों के धार्मिक गुरु गुरु नानक देव जी को समर्पित है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1948 में करवाया गया था, जहाँ पर प्रत्येक साल गुरु नानक जयंती के अवसर पर हजारों पर्यटक पहुँचते हैं। इसके बाद आप यहाँ के नरसिम्हा झीरा गुफा मंदिर भी जा सकते हैं, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा स्वामी जी को समर्पित है। इस गुफा मंदिर में स्थापित नरसिम्हा स्वामी के प्रतिमा के बारे में बताया जाता है कि यह प्रतिमा स्वयं निर्मित है। साथ ही यहाँ पर आपको नरसिम्हा भगवान के अलावा लॉर्ड शिवा के भी दर्शन हो जाएंगे। इसके अलावा भी बिदर सर में बहुतों ऐसे पर्यटन स्थल मौजूद है, जिसे देखने के लिए समय समय में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। इस सर के और भी पर्यटन स्थलों में रंगीन महल, तरकस महल, सोलखंबा मस्जिद, पापनाथ शिव मंदिर, बहमनी टॉम्स, कंदरा बांध, बारिशाही मकबरा और मानिक प्रभु मंदिर मौजूद है। तो फिलहाल बिदर सर की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।